क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतद्वैयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोतिष्ठ परं तप। हे वृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमनकर्ता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य, अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह केवल नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र कहलाते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अर्जुन उवाच, कथम भीष्ममहं संखे द्रोणंच मधुसूदना इषुभिः परियोत्स्यामि पूजार्हार्वरिसूदना। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी ना किया जाए। यहां तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपानी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि ह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु हि नैव भुंजीय भोगान रुदिरक प्रदिग्दान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा से इस संसार में भीख मांगकर खाना ही अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध हो जाता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त में सनी होगी। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन तो हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना।